हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। तो थर्सडे का दिन है, आफ्टरनून का टाइम है, तो डिनर के लिए मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसको मैं रेडी करके अभी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ अरबी ली है और उनको मैं पीलर से स्किन जो है वो मैं हटा दूँगी और फिर उनको ऐसे क्यूब्स पर मैं कट कर लूँगी। साइज़ेस छोटे बड़े आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैंने छोटे ही रखे हैं ताकि वो इवनली ऐसे कुक हो जाए और खाने में भी एक बाइट में लेने के लिए इट्स क्वाइट इजी। तो सब अरबी को मैंने ऐसे चॉप कर लिए हैं और फिर चॉप करने के बाद मैं इनको वॉश करूँगी। अगर हम वॉश करके फिर चॉप करेंगे तो बहुत वो स्लिपरी हो जाते हैं, इट्स हार्ड टू कट। तो फिर पहले मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं और फिर वॉश करके एक प्लेट में टिश्यू रखा है, उसके ऊपर मैंने इन्हें रखा है। एक 5-10 मिनट में इन्हें ड्राई होने दूंगी और तब तक मैं बाकी के थोड़े काम कर लूँगी। तो बच्चों के लंच बॉक्स मैंने वॉश करके रखी थी, उनको मैं ड्राई करके रख दूँगी। तो ये लंच बॉक्स वॉश करना ना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, और ऐसे ही रखो तो वो रात तक रखे रहते हैं। तो जैसे ही वो स्कूल से आते हैं तुरंत ही मैं उनको वॉश करके ड्राई कर देती हूँ और सिंक भी पूरा वो घेर लेता है, तो तुरंत ही मैं उनको ड्राई करती हूँ। और अभी मैं ड्रैगन फ्रूट कट कर रही हूँ, तो वॉश कर लिया है। और कट करने के इसके ना कई सारे तरीके, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड। तो मैंने YouTube पे ही ना ऐसे सर्च किया कि इसको कट कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है। साइड्स के मैंने निकाल दिए हैं थोड़े थोड़े पार्ट्स और सेंटर में कट करके बस हमें इसे ना ऐसे पील करना है, और बहुत ही इजीली और आसानी से ये पील हो जाता है। जैसे हम ऑरेंज पील करते हैं ना, ये तो एक वन शॉट में ही पूरा इसका जो ऊपर का स्किन है आराम से निकल आता है। एंड लुक वाइज कितना मस्त लगता है। सेम एज़ कीवी, कीवी हम कैसे कट करते हैं वैसे ही ये दिखता है, पर इसमें टेस्ट ही नहीं है। इट्स काइंड ऑफ टेस्टलेस। ना ये मीठा है होता है, ना ही ये खट्टा। तो आप कैसे इसे खाते हो? प्लेन खाते हो या इसके ऊपर आप कुछ सॉल्ट या फिर पेपर ऐसे डाल के खाते हो? डू लेट मी नो। अच्छा तो है, मतलब हेल्दी तो है, पर इट्स काइंड ऑफ ना टेस्टलेस। और मैं ऊपर से सॉल्ट करना फ्रूट्स में ना प्रिफर नहीं करती, तो हमने ये ऐसे ही खाया। इट्स क्वाइट अ ब्लैंड टेस्ट। और बच्चों को भी मैंने दिए, तो मैं थोड़ा लूँगी और थोड़े मैं हस्बैंड के लिए रखूँगी। और बस फिर ये फ्रूट खा के मैं निकली हूँ लॉन्ड्री के लिए। तो लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए डाले थे, तो अभी ड्राई हो गए रहेंगे, तो मैं वही बस लेके आ जाऊँगी। ये लॉन्ड्री का भी एक चक्कर ही होता है क्योंकि घर में वॉशर ड्रायर नहीं है, तो एवरी वंस इन 4 डेज मैं वॉशिंग के लिए डालती हूँ। तो 3 चक्कर हो जाते हैं, एक बार वॉश करने डालो, फिर अगेन वॉश साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर ड्रायर में डालो, एंड अगेन आफ्टर दैट कपड़े लेने आओ। सो ऐसे 3 चक्कर हो जाते हैं। और ये स्विमिंग पूल है हमारे कम्युनिटी का, जो लॉन्ड्री है उसके सामने ही एक स्विमिंग पूल है, एंड दिस इज़ दी लॉन्ड्री। तो ऐसे वॉशर्स एंड ड्रायर्स इसमें होते हैं। कई बार तो एम्प्टी मिल जाते हैं, मोस्टली आफ्टरनून टाइम्स में आओ तो ना एम्प्टी रहते हैं, ऐसे इवनिंग टाइम में आओ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सारे फुल ही रहते हैं। तो प्रेफरेबली मैं आफ्टरनून में ही आती हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे ना 2-3 चक्कर लग जाते हैं लॉन्ड्री के। और घर आने के बाद ये जो अरबी मैंने वॉश करके रखी थी थोड़े ड्राई हो गए हैं, तो उनको मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो लॉज का स्किलेट है वो लिया है, पैन में तेल लिया है, थोड़ा सा हींग ऐड किया है, और अरबी के जो चंक्स कट किए थे वो हम इसे इसमें भून लेंगे। एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी ना एयर फ्राई कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल के अच्छे से मैं इन्हें 80% कुक कर लूँगी, और फिर जो बाकी का 20% है वो हम ग्रेवी में कुक करेंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम 5 बजे से पहले जो डिनर का सारा प्रिपरेशन है, जैसे कि अगर रोटी सब्जी बन रही है तो सब्जी और आटा मैं गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अगेन इफ़ आई स्टार्ट आफ्टर 6 तो बहुत लेट हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम ना एक साथ पड़ता है। तो चाय पीने से पहले मैं मोस्ट ऑफ़ द प्रिपरेशन मैं करके रख देती हूँ। घी भी ख़त्म हो गया था तो घी भी मैंने चढ़ाया है, बटर मैंने डाला है पैन में, तो वो भी साथ ही साथ होता रहेगा। एंड अभी ये जो स्टैंड मिक्सर आ गया है मेरा न्यू किचन हेल्पर, इट्स सो हेल्पफुल, और कितना ये टाइम सेव करता है।
अरबी में मैंने पहले हल्दी डाला था, अभी थोड़ा सा मैं लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, और ये अच्छे से पकता रहेगा। साइड बाय साइड में आटा भी गूंद लूँगी। तो जब से ये स्टैंड मिक्सर आया है, आटा मैं उसी में गूंद रही हूँ। एंड इट्स सो हेल्पफुल, दिस इज़ माई न्यू किचन हेल्पर। तो इसमें मैंने 2.5 कप्स आटा लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने बाजरे का आटा मिक्स किया है, नमक ऐड किया है, और इसमें थर्ड नंबर सेटिंग में मैंने डाला है नीडिंग का। और पूरा टोटल इसमें ना 5 मिनट में ये अच्छे से पूरा नीड हो गया है, और बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं इसमें। और मैंने ये जो है वो बिल्कुल कोई भी स्किप या एडिट नहीं किया है, एज इट इज़ ऐसे शो किया है। बस वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट स्पीड रन किया है, पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ये आटा गूंथता है। परफेक्ट आटा ये गूंथता है। शुरू शुरू में ना आपको थोड़ा अंदाज से पानी ऐड करना पड़ेगा, एंड देन वंस यू गेट यूज टू देन आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी और कितने इंटरवल्स में ऐड करना है। बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट सा डो बनता है। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग रोटी चपातीज, पहले से ही आई डोंट नो, जब से शादी हुई है तब से आई हैव बीन ट्राइंग, पर अभी तो पहले से काफ़ी मैं बेहतर बना लेती हूँ, बट स्टिल आई थिंक आई एम नॉट गुड एट मेकिंग चपातीज। इसलिए मैं फुलका बनाना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। फुलके अच्छे से बन जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चपातीज वो फूलते ही नहीं है। पर डो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डो बहुत ही अच्छे से स्टैंड मिक्सर में गूंदता है, परफेक्ट डो बन के आता है। आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस स्टैंड मिक्सर नाउ। काफ़ी सारा टाइम सेव होता है, एंड आई डोंट प्रिफर कि आटा ना पहले से ही गूंद के रखो मॉर्निंग टाइम्स में, जैसे हम रात में आटा गूंद के रखते हैं, आई डोंट प्रिफर दैट। तो मॉर्निंग टाइम में उठते के साथ ही अगर आप इसमें चला लोगे, तो बाय द टाइम यू ब्रश एंड गेट फ्रेशन अप, आटा गूंद के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बेस्ट है ये, आई वुड से इट्स अ बेस्ट बाय। इसमें भी कई सारे कंपनी के ऑप्शंस है, ये मेरे पास हैमिल्टन बीच का है एंड दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। छोटा ही मैंने साइज़ लिया है, 4 क्वार्ट्स का है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर आवर फैमिली एंड किचन भी, अगर आपका छोटा है, स्पेस का इशू है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट साइज़ आई वुड से। तो बस आटा पूरा ना अच्छे से गूंद गया है, और पूरा जो बोल है अच्छे से क्लीन कर देता है, कहीं भी आपको ना डो ऐसे चिपका हुआ नहीं दिखेगा। अच्छे से सब तरफ से स्कूप करके अच्छे से ये बाइंड हो जाता है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा ना तेल भी ऐड किया, 1 चम्मच भर तेल। फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था तभी तेल ऐड नहीं किया था, दिस इज़ द 4th टाइम आई एम यूजिंग। तो चम्मच, एक आधा चम्मच तेल मैंने इसमें ऐड किया है, और बस और एक थोड़े 10-15 सेकेंड्स मैं चलाऊंगी और मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो बस परफेक्ट ये आटा बन के रेडी हुआ था, और टोटल 5 मिनट्स लगे हैं आटा गूंदने में, एंड परफेक्ट आटा गूंदा है। बार बार मैं वही कह रही हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम आई गेस। और बोल में आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी है ना चिपका नहीं है, द बोल इज़ कम्प्लीटली नाइस एंड क्लीन। तो बस मैं एक दूसरे बोल में इसे थोड़ा सा मल के ढक के रख दूंगी, एंड इट्स रेडी टू मेक चपातीज और फुलकास। और चलिए अब बनाते हैं ग्रेवी। तो उसके लिए पॉट में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तेल गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा को थोड़ा सा क्रैकल होते ही अजवाइन मैंने ऐड करी है, और एक स्लिट की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग ऐड किया है। इसको हम क्विक मिक्स कर लेंगे। बारीक कटे हुए प्याज मैं ऐड करूँगी, आधा प्याज। प्याज को भी अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जब तक प्याज भून रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कटोरी में आधा कप दही लिया है, और दही रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, तो 1-2 घंटे पहले ही मैंने बाहर निकाल दिया था। उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच बेसन ऐड करके अच्छे से दही के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, इवनली मिक्स किया है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पे प्याज भून रहा है, तो प्याज में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़े से ड्राई स्पाइसेस, तो उसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर अगर आपके पास है तो वो भी ऐड करना। ज़ीरा पाउडर मेरे घर में एम्प्टी हो गया था, सो आई डिडंट ऐड। वैसे भी तड़के में हमने ज़ीरा ऐड किया है। मसालों को अच्छे से प्याज के साथ हम भून लेंगे। थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगी, और ये होममेड जो गरम मसाला है मैं इंडिया से लाई थी वो मैंने ऐड किया है।
टमाटर ऐड किया है और भून के अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक के हम कुक करेंगे। तो टमाटर अच्छे से मसालों के साथ अच्छे से कुक होगा और थोड़ा सा मशी भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने चाय रखी है और ये तुरंत ही मैंने इसको वॉश करके अपनी जगह पे मैंने रख दिया है। और टमाटर अच्छे से भून गए हैं, आप चाहो तो स्मैशर से एक बार भून सकते हो, मैश कर सकते हो। और फिर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ करके दही और बेसन को जो हमने मिक्स किया था वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक दो मिनट बाद फिर मैं गैस फ्लेम ऑन करूँगी। दही ऐड करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर गैस का फ्लेम में ऑन करके लो में ही रखूँगी। पानी ऐड करेंगे टू एडजस्ट दी कंसिस्टेंसी। और फिर उसके बाद जो हमने अरबी फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। और बस फिर अरबी ऐड करके ढक के हम इसे कुक करेंगे। अगर नमक एडजस्ट करनी है तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हो। और अरबी 80% हमने कुक किया था और अब इस ग्रेवी के साथ और भी वो अच्छे से कुक होगा। तो लो फ्लेम में 10-15 मिनट हम ढक के अच्छे इसे कुक करेंगे और बस फिर लास्ट में हम इसमें गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये सब्ज़ी बनी थी। अरबी के जगह पे आप आलू भी यूज़ कर सकते हो या फिर इस ग्रेवी में पनीर कैप्सिकम या फिर सोया के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही स्वाद बनी थी। थोड़ा सा नमक कम लगा इसलिए मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने ऐड किया है बस। और ये जो अरबी की दम सब्जी है बिल्कुल रेडी है। तो डू गिव इट अ ट्राई अगर आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया है। और मेरा घी भी रेडी हो गया है तो घी को भी मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्लेम। तो बस अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो डिनर रेडी है। थोड़ा सा मैंने चावल बना दिया था दही के साथ खाने के लिए, तो मैं सर्व करूँगी। तो गर्मा गर्म ये रोटी और सब्जी काफ़ी अच्छी बनी थी, बच्चों ने भी शौक से खाया। सो दिस वॉज आवर डिनर। कर्ड राइस भी था और ये रोटी और सब्जी। और फिर डिनर करने के बाद अगेन बैक टू द किचन। तो सारे ही बर्तनों को ना मैं पहले वॉश करके रख देती हूँ, फिर एक साथ डिशवॉशर में लोड करना इट्स क्वाइट ईजी। और किचन को वाइंड अप करके मैं आई हूँ मेरा नाइट टाइम रूटीन करने के लिए। तो फर्स्ट तो मैं ब्रश करती हूँ और फिर उसके बाद ये जो लिस्टरिन है ना माउथ गार्गल वो मैं यूज़ करती हूँ। बीच में आई हैड दिस गम से ना ऐसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। इसमें और भी एक है गम के लिए स्पेशली, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव था, इससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो दिन में एक ही बार मैं यूज़ करती हूँ, वैसे दो बार आप कर सकते हो, बट वो जो लिस्टरीन है सिर्फ रात में मैं यूज़ करती हूँ। तो ब्रश करके उसे आपको गार्गल करना है, 30 seconds मुंह में रख के आपको स्पिट कर देना है, स्वॉलो नहीं करना है। एंड फिर उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। सो एवरी डे दिस इज़ माय नाइट टाइम रूटीन, ब्रश एंड देन फेस वॉश। तो यहाँ पे ये मैंने नीम और तुलसी का जो फेस वॉश है वो यूज़ कर रही हूँ। फेस को वेट करके अच्छे से फेस को क्लीन करके फिर मैं वॉश करूँगी। और फिर उसके बाद रोज़ वाटर में स्प्रे करती हूँ, उससे ना बहुत ही फेस आपको रिफ़्रेशिंग लगेगा। और रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद मैं एक थोड़ी देर 5-10 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छे से स्किन पे ड्राई हो जाए। साथ ही साथ सिंक को मैं और जो काउंटर स्पेस गीला हो जाता है उसको मैं अच्छे से टिश्यू से वाइप कर दूँगी। और कुछ सालों से मैं ये नाइट टाइम जो रूटीन है वो मैं फॉलो करती हूँ एंड इट्स क्वाइट हेल्पिंग मी अ लॉट। मेरा चेहरा वैसे सेंसिटिव है, अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली
और स्वेटी हो जाता है तो आई गेट हेयर एंड देयर फ्यू पिंपल्स एट अ टाइम समटाइम्स, तो इसलिए आई सी दैट रेगुलरली मैं ये स्किप ना करूँ, आई वॉश माई फेस रेगुलरली। एंड और ख़ुद के लिए भी हमें ना टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो फैमिली केयर के साथ सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बस रोज़ वाटर अच्छे से ड्राई होने के बाद, ये रिसेंटली मैं नया जो नाइट क्रीम है वो मैं ट्राई कर रही हूँ, सो इट्स क्वाइट गुड, बहुत ही लाइट है। अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी का सिरम और ये और जो नाइट क्रीम है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और क्रीम लगाने के बाद पता नहीं मेरे हाथ ना बहुत ऐसे चिपचिप लगते हैं, जब भी मैं लोशन भी लगाती हूँ तब भी मैं हाथ तुरंत वॉश करती हूँ, माई हैंड फील्स सो स्टिकी। और लिप बाम मैंने लगाया है और बस मेरा नाइट टाइम रूटीन हो गया है कंप्लीट। और फिर बच्चों को रूम में आ गई हूँ, उनका बेड थोड़ा मैं सेट करके पिलो ब्लैंकेट्स वगैरह मैं रख दूँगी उनके लिए। स्निग्धा कभी कभी अपने बेड में यहाँ पे सोती है या फिर कभी हमारे साथ, इट डिपेंड्स ऑन हर मूड, पर वन्या अच्छे से उसकी जगह पे सो जाती है, शी लाइक्स हर बेड, ऊपर सोती है वो ऑन द टॉप, शी लाइक्स इट देयर। और बस किचन में आ गई हूँ और फिर अभी डिशवॉशर ऑन करूँगी, तो रोज़ सोप लोड करके डिशवॉशर ऑन करने का काम हमारी स्निग्धा का है, तो वो अच्छे से करती है, इट्स हर चोर्स, और वो बहुत एन्जॉय भी करती है। और बस तो वो सोप लोड करके ऑन कर देगी, और सोप लेने से रखने से सब वही करती है एंड शी एन्जॉयज़ डूइंग इट। एक दिन कभी हमने गलती से ऑन कर दिया तो ना नाराज़ हो जाती है और रोने लगती है। सो बाय एवरीवन। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लैक रेजिन्स सोक किए हैं और उसी के साथ आलमंड्स को भी सोक किया है। किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है, डिशवॉशर भी ऑन है, सो किचन इज़ ऑल सेट एंड रेडी फॉर टुमोरो। और ये जो कास्ट आयरन स्किलेट है उसको भी मैंने वॉश करके थोड़ा ड्राई कर देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल मैं अंदर की तरफ स्प्रेड किया है। टाइम इज़ अराउंड 9 o'clock, बच्चे 9 o'clock में सो जाते हैं स्कूल डेज में। घी भी ठंडा होने के बाद मैं बंद करके रख दूँगी, और अभी लिविंग रूम को थोड़ा सा मैं रीसेट करूँगी, जो भी टॉयज़ और जो भी अनवांटेड चीज़ें जो यहाँ नहीं होनी चाहिए उन सबको मैं उठाऊँगी। तो सुबह सुबह जब भी वी वेक अप एंड कम आउटसाइड, व्हेन यू सी अ नीट एंड क्लीन किचन एंड लिविंग रूम, इट रियली एनर्जाइजेस योर मूड। और ये एक फिजिट है जो बच्चों के ऐसे टॉयज़ में से है, सो इसके साथ खेलना मुझे भी काफ़ी पसंद है, इट्स क्वाइट गुड, कैसे भी ना ये फोल्ड हो जाता है, सो ये मैं भी कभी कभी खेल लेती हूँ। और बस सोफ़ा को मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँगी, टॉयज़ वगैरह जो थे वो मैंने निकाल दिया है, पिलोज़ को अच्छे से सेट कर दूँगी, सो लिविंग रूम एंड किचन इज़ ऑल सेट एंड टाइडी फॉर द नेक्स्ट डे। और आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, इवनिंग टाइम्स पे ही जो मिरर का ब्लाइंड है, डोर है, वो मैं थोड़ा ओपन करती हूँ, अच्छे से नेट डोर से ना हवा आती है बाहर से, इट फील्स गुड। और ये मेरे पीस लिली में एक नया ब्लूम आया है, आई वॉज सो हैप्पी द अदर डे, दो दिन पहले मैंने देखा, सो आई गॉट सो हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग विंटर ब्रेक, एक नया ब्लूम देखना, इट्स वाओ, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब वो अच्छे से पूरी तरह ब्लूम हो जाए। और बस अब काम हो गया है, मैंने एक कप पानी लिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं रोज़ लेती हूँ सोने से पहले, सो दिस इज़ माई मी टाइम, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे
9:15 तक पूरा काम हो जाता है, तो अराउंड टिल 10 o'clock आई सेड कुछ मोबाइल पे देखती हूँ, अगर वीडियो का कुछ काम है वो करती हूँ तो बस, और फिर अराउंड 10 o'clock मैं सो जाती हूँ। एंड दिस वॉज माई रियलिस्टिक आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। आई होप यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट। और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी एंड हेल्प माई चैनल ग्रो। स्प्रेड माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आई पोस्ट वीडियोज एवरी ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज रिलेटेड टू होम मेकिंग, लाइफ स्टाइल, लाइफ इन USA, मॉमी व्लॉग, रूटीन लाइफ, रेसिपीज, ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज एंड मोर। So do check out and visit my channel once. You can also follow me on Instagram. I will mention my Insta ID here. We'll see you then. Bye.